ज़ायरा नॉट अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव ऑफर, जहां लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन पर आपको मिलेगा फ्लैट 15% ऑफ, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ₹300 एंड अबव। साथ ही मिलेगी फ्री पिकअप एंड डिलीवरी की फैसिलिटी। ये ऑफर 7 सितंबर से 30 सितंबर तक सीमित है। ज़ायरा नॉट में आपको मिलेगी प्रीमियम पैकेजिंग, रास्ते की धूल से बचने के लिए कस्टमाइज वैन, हाइजीनिक वॉश एंड स्टोरेज के लिए इनहाउस वर्कशॉप, बेहतर सफाई और कपड़ों की सुरक्षा के लिए जर्मनी बेस्ड केमिकल यूज किए जाते हैं जो कि इंपोर्टेड मशीन में इस्तेमाल होते हैं। एक बार जरूर ज़ायरा नॉट का एक्सपीरियंस लीजिए और डिफरेंस फील कीजिए। जरूर ट्राई कीजिए ज़ायरा नॉट प्रोफेशनल लॉन्ड्री एट अलाइट पेट्रोल पंप नेक्स्ट टू बागे फिरदौस मस्जिद वंजारपट्टी नाका भिवंडी। नमस्कार, मैं आयुक्त तथा प्रशासक श्री अजय वैद्य भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा का जो पंद्रह दिन का कार्यक्रम जो हमने आयोजित किया है उसके बारे में आप सबको जानकारी देना चाहता हूं और आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप ये जो कार्यक्रम है उसमें आपका सहभाग दीजिए, आप खुद उसमें उतरिए और अपना पूरा शहर जो है वो साफ रखने के लिए कोशिश कीजिए। ये क्या प्रोग्राम है, ये क्या नियोजन है, मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। यह ऐसा है कि 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये पूरा जो 15 दिन है वो स्वच्छता ही सेवा अभियान हम यहाँ पूरी तरह से करने वाले हैं और 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी जी की जयंती है उनकी जयंती के दिन उनको आदरांजलि देने के लिए ये हमने स्वच्छता पंद्रोड़ा का आयोजन किया है। इसमें यहाँ जितने भी अपने स्वच्छता के लिए जितने ब्लैक स्पॉट है जहाँ बार बार कचरा जमा होता है, जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है उनको साफ करना, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान जो हमने जो चलाया था पिछले 10 साल में उसका जो हमने सक्सेस मिला है, पूरे देश को सक्सेस मिला है वो उनको सेलिब्रेट करना है और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए जितने भी कामगार सफाई कामगार काम करते हैं उनको भी हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं, उनका भी जो योगदान है उसको हम यहाँ पे ध्यान देकर उनको जो है एक सम्मानित करने वाले हैं। उसके बाद शाश्वत स्वच्छता और जो कचरा व्यवस्थापन है उसके लिए जो आने वाला भविष्य है अपने आने वाले बच्चे आने वाली पीढ़ी उनके लिए भी उसका कैसा नियोजन किया जाए वो भी हम इसमें देखने वाले है। और यहाँ जो कार्यक्रम हमने रखे हैं मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जहाँ जो ब्लैक स्पॉट है मैंने कहा आपको कि वहाँ 15 जगह पे हमने ऐसे चूज किए हैं 15 जगह चुन के रखी है जहाँ ये हम काम करने वाले हैं। और एक बहुत अच्छा अभिनव कार्यक्रम हम करने वाले हैं, एक पेड़ माँ के नाम, तो अपनी माँ की याद में हम पेड़ जो लगाएंगे पेड़ पौधा लगाएंगे उसकी जो जिम्मेदारी है वो नागरिक लेगा जिसकी माँ के नाम से वो पेड़ पौधा लगाया गया है, तो ये इसके कारण अपना पूरा शहर हरा भरा हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, पर्यावरण पूरक शहर हो जाएगा। और उसके बाद स्वच्छता का श्रमदान जो है वो भी कार्यक्रम हम रखे हैं, कम से कम 82 जगह पे ये कार्यक्रम हमने रखे हैं। स्वच्छता सब्जेक्ट के ऊपर जो विद्यार्थियों में हम एक कंपटीशन रखने वाले हैं, स्पर्धा रखने वाले हैं। उसके बाद मनपा सफाई मित्र सुरक्षा शिविर कार्यक्रम, ये कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी है उनकी हेल्थ की चेकिंग और उनका काउंसिलिंग ऐसा हम करने वाले हैं। ऐसे 3 कार्यक्रम हमने रखे हैं, ऐसे टोटल 105 कार्यक्रम हमने इस 15 दिन के लिए रखे हैं। और आपको एक बता दूं मैं कि आज 21 सितंबर 2024 सैटरडे को मनपा मुख्यालय और प्रभाग समिति कार्यालय पे जितने भी कार्यालय है उतने 56 जगह पे हमने यह स्वच्छता का मुहिम बहुत बड़ी तरह से किया है। उसके बाद स्वच्छता पंद्रोड़ा जो दरमियान जितने भी कार्यक्रम है उसमें स्वच्छता श्रमदान और शपथ लेना वो भी कार्यक्रम हमने संपन्न किया। और इससे भी बड़ा एक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, सोमवार को 23 तारीख को सुबह 8:30 बजे अपना स्वर्गीय राजे या गाजे के सभागृह से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक हम एक रैली निकालने वाले हैं। इसमें अपने माननीय खासदार साहब तथा माननीय आमदार साहब और शहर के जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको भी हमने न्योता दिया है वो भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ हमारे पास NCC के स्टूडेंट्स, NSS के स्टूडेंट्स, मनपा के विद्यार्थी, रोटरी क्लब तथा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं हैं ये भी इसमें शामिल होने वाली है। तो मेरी आप सभी नागरिकों से विनती है, आवाहन है कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए, ना कि अपना घर लेकिन अपनी गली, अपना जो रास्ता, अपना जो गांव, अपना जो मोहल्ला वो सब साफ करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि हम अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए ये जो हम शहर छोड़ने जा रहे हैं आगे के लिए तो वो स्वच्छता पूर्वक रहेगा, पर्यावरण पूरक शहर रहेगा। और इसके लिए आओ हम सब मिलके ये स्वच्छता पंद्रोड़ा जो है उसको बेमिसाल बनाए और इसका पूरा हम देश में हम इसकी एक मिसाल कायम करिए और हमारा भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जिसको स्वच्छता के लिए एक बार अवार्ड मिला था चलो वापस वही कदम उठाए और वापस वही अवार्ड मिलाने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।